नमस्कार मनु, राजस्थान में आज शाम को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, लेकिन उसके ऊपर संशय के बादल भी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री निवास और ऑफिस में फिर से कोरोना के केसेस आए हैं और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत राजस्थान के जो प्रभारी सह सचिव हैं विवेक बंसल, उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की है। शुरू करते हैं सिलसिला आज अखबारों में जो खास खास खबरें हैं उनका। और पहली खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम को 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें आर्थिक हालात और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करने की उम्मीद है। हालांकि बैठक का एजेंडा जारी नहीं किया गया है। पिछले सप्ताह भी बैठक बुलाई गई थी लेकिन इसको बाद में स्थगित कर दिया गया था। तो ये देखना होगा कि आज ये बैठक बुलाई जाती है नहीं, क्योंकि ये अगली खबर जो है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री निवास और दफ्तर में ये जो अगली खबर है हमारी पत्रिका की, ये मुख्यमंत्री निवास और दफ्तर में फिर से 30 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी थे अजय माकन, उन्होंने 2 दिन पहले जो मीटिंग की थी मंत्री सीएमओ में और रात्रि भोज हुआ था मुख्यमंत्री निवास पर, उसमें भी बहुत से लोग शामिल हुए थे। तो इस बात की भी आशंका है कि और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। चर्चा करते हैं दोनों खबरों पर हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, पहले तो ये बताइए कि ये जो मीटिंग है कैबिनेट की, इसमें क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, एजेंडा क्या अब आ गया है सामने कि ये मीटिंग किस पर होनी है? देखिए, अभी तक एजेंडा सामने आया नहीं है, किसी को भिजवाया नहीं गया है। जिस तरह से बात जो बताई जा रही है वो ये है कि कोरोना की स्थिति के दौरान और बाद में जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बिगड़ी है उसको लेकर के चर्चा होनी है, और साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि जो नई पर्यटन नीति है उसको अंतिम रूप दिया जाना है, तो उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। रामस्वरूप, लेकिन क्या इस बैठक के बारे में कुछ सूचना मिल रही? कारण इसका यह है कि पिछली बार भी जो केस आए थे मुख्यमंत्री निवास और दफ्तर में, तो ये बैठक स्थगित कर दी गई थी। अब 30 लोग मिले, पहले तो कम मिले थे लेकिन अब 30 लोग संक्रमित मिले हैं, तो क्या इस बात की आशंका है कि ये मीटिंग जो है वो रद्द कर दी जाए? बिल्कुल, लगता है ऐसा ही है, क्योंकि पिछले सप्ताह 2 बार कैबिनेट की मीटिंग तय हुई थी, प्रस्तावित थी, लेकिन उसको अचानक दोनों बार स्थगित की गई थी। एक बार तो मात्र आधे घंटे पहले, यानी कि 5 बजे का वक्त था कैबिनेट की बैठक होने का, सभी मंत्री लगभग रवाना हो चुके थे, लेकिन उसी समय यानी कि करीब आधा घंटा पहले मैसेज आया कि कोरोना के संक्रमित मरीज भी यहां पर पाए गए हैं, तो ऐसे में इस मीटिंग को स्थगित किया जाता है। शुरू में हमने देखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के 8 कर्मचारी और मुख्यमंत्री निवास के 2 कर्मचारी एक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बाकायदा मुख्यमंत्री निवास की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ, जानकारी दी गई थी, इसीलिए तमाम जो कामकाज है, जो मुलाकातें हैं वो टाल दी गई थी। लेकिन अब जैसे और नए मरीज सामने आए हैं, तो इसे लगता है कि आज शाम को होने वाली बैठक भी शायद स्थगित हो जाए। अब तक मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते आ रहे थे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर ले? जरूरी है क्या कैबिनेट मीटिंग पर्सनली 1-to-1 की जाए, मतलब सब लोग साथ बैठ के? बिल्कुल हो सकता है, आजकल सभी ये सिस्टम सबके पास है। कोई कई मंत्री हम देखते हैं कि चाहे चिकित्सा मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे दूसरे कोई मंत्री हो, बाकायदा ऑनलाइन कई बार जो है कॉन्फ्रेंस जुड़ते रहे हैं। तो अब हो सकता है कि, देखो, 2 बार हमने देखा कि कैबिनेट की मीटिंग को स्थगित करना पड़ा है, तो हो सकता है कि अगली मीटिंग यानी कि आज शाम को अगर मीटिंग नहीं होती है, तो हो सकता है कि इसी दौरान जो है सभी कैबिनेट मंत्रियों को दोबारा से ऑनलाइन मीटिंग भी ली जा सकती है। रामस्वरूप, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आगे की खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और इस बीच जो नई टूरिज्म पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट स्टेट कैबिनेट को सबमिट कर दिया गया है अप्रूव करने और उसकी घोषणा करने के लिए। जो सूत्र है वो अखबार की खबर वो बता रही है कि पहली बार इस पॉलिसी में जो राज्य के मेले और तीज त्योहार है उनको प्राथमिकता दी गई है। पुष्कर का कैमल फेयर है, जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल और उदयपुर में जो इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल होता है, ये सजेशन दिए गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जब उन्होंने 5 अगस्त को रिव्यू मीटिंग की थी और एक डेडलाइन दी थी कि आप इस पॉलिसी को जल्द से जल्द इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। उम्मीद है कि जो आज कैबिनेट मीटिंग है उसमें इसको मंजूरी मिल जाए। और इसमें कहा गया है कि जो फॉर्मेट है ये जो फेयर्स और फेस्टिवल्स का, इसको शायद चेंज ना किया जाए, लेकिन इसको एक करके इसकी स्टडी की जाए
ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जा सके। पर अब लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस के प्रभारी सचिव विवेक बंसल, उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की है। आमतौर पर तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि आप किसी नेता का मिलना, लेकिन विवेक बंसल काफी समय से राजस्थान के प्रभारी हैं और वो जब अविनाश पांडे यहाँ के महासचिव थे प्रभारी, तब वो उन्होंने दूरी बना के रखी हुई थी सचिन पायलट गुट से। और एक खास बात यह थी कि जो पूर्व नेता थे प्रतिपक्ष के रामेश्वर डूडी, वो भी पायलट से मिले हैं। तो इस पर हम चर्चा करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, ये दोनों मुलाकातें कितनी महत्वपूर्ण है, विवेक बंसल का सचिन पायलट से मिलना क्या संकेत है और क्या इसका कुछ मिल रहा है, किस मुद्दों पर बातचीत हुई होगी? देखिए, ये हमने देखा कि जो विवेक बंसल है वो प्रदेश के सह प्रभारी हैं और वो लंबे समय से इस पद पर हैं, और जब एक महीने का गतिरोध रहा तब बाकायदा दूरी रही थी, और एक तरह से सचिन पायलट का जो खेमा था वो एक तरह से बिल्कुल दूर था सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं से। अब जब सुलह हुई है तो उसके बाद में ये पहली मुलाकात की विवेक बंसल ने, तो अब ये बात है कि हालांकि जिस तरह से पूर्व में सचिन पायलट द्वारा और उनके खेमे के विधायकों द्वारा शिकायत की गई थी अविनाश पांडे की कि ये इनके द्वारा जो है इनका पक्ष सुना नहीं जा रहा है, उनकी बात मानी नहीं जा रही है और केंद्र तक इनकी बात पहुंचा नहीं जा रही है, उसी दरमियान जो उसी लिहाज से जो सह प्रभारी है उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, उन्होंने भी अपनी भूमिका निर्वहन जिस तरह से करना चाहिए था जो गतिरोध पैदा हुआ तब की बात बता रहा हूं, तो वो हुई नहीं थी। तो अब ये मुलाकात हुई है तो ये मान सकते हैं कि पुरानी जो बातें थी, क्या उनकी शिकायतें हुई या नहीं हुई, क्या और सुनने का प्रयास हो सकते हैं, क्या और भूमिका निभा सकते हैं विवेक बंसल, उसको लेकर के सचिन पायलट से जो है उन्होंने काफी मुलाकात रही थी। और जहां तक रामेश्वर डूडी की बात है तो रामेश्वर डूडी कह सकते हैं कि पिछले काफी समय से, जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से लेकर के वो अभी तक अशोक गहलोत के जो है लगातार खिलाफ रहे हैं। कई बार हमने देखा कि जब चुनाव में टिकटों का वितरण हुआ था तब उन्होंने एक बार बगावत कर दी थी, उसके बाद में भी नागौर से उन्होंने जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद में वैभव गहलोत के सामने जो है आज से का चुनाव लड़ने के लिए यहां पर आए थे और साफ तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भी कई तरह के बयान दिए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सचिन पायलट के खेमे में माना जा सकता है रामेश्वर डूडी को, इस लिहाज से उनकी मुलाकात हुई थी। रामेश्वर डूडी और सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में दौरे भी साथ साथ किए थे, और इस बीच ये भी आशंका ये है कि जो विवेक बंसल हैं उनको हटाया भी जा सकता है, नए सह प्रभारी नियुक्त हो सकते हैं। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। ये कल जस्टिस अरुण मिश्रा ने जाते एक डिसीजन किया, ये 7 साल पुराना मामला था और उसमें अडानी पावर की जीत हुई है, उनको ये 5,000 करोड़ रुपए का करीबन भुगतान क्षतिपूर्ति शुल्क राज्य सरकार को चुकाना होगा। 2013 से ये मामला चल रहा था, ये कोयला भुगतान के मामले में ये निर्णय आया है और इसका भार दरअसल राज्य के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ऑलरेडी जो राज्य सरकार है उसने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया था, और अब चूंकि ये जो नया बोझ आया है, हो सकता है कि ये जो कैरिंग चार्ज का जो खर्चा है 9% तक का, वो भी उपभोक्ताओं को देना पड़े। क्या रामस्वरूप हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं? अच्छा, रामस्वरूप हमारे साथ नहीं है। तो दरअसल ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली की जो दरें हैं वो काफी असंतोष का कारण बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जेई और नीट के जो कैंडिडेट से परीक्षार्थी थे उनको काफी छूट दी थी बसों में निशुल्क यात्रा की, और अब उनको पर्यटन निगम के होटलों में रहने पर 40% तक की छूट मिलेगी। ये सुविधा 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी और इसमें ये उनका परीक्षा पत्र दिखाने पर उनको ये छूट मिल सकती है। निगम के कार्यकारी निदेशक सुभाष मेहरे के मुताबिक 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये छूट रहेगी और इसके लिए सभी होटलों को विशेष रूप से सैनिटाइज और गाइडलाइन के हिसाब से तैयार किया गया है। एक दिन ठहरने पर किराए में 30% की छूट और एक दिन से ज्यादा रुकने पर 40% की छूट होगी और इसमें ब्रेकफास्ट भी उनको दिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान से आज की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों को।